बिग बॉस 16 के अब्दुल रोजिक और एमसी स्टैन की लड़ाई हर बीतते दिन के साथ गहराती जा रही है। रैपर के साथ अपनी लड़ाई के बारे में बात करने के लिए सोशल मीडिया पर एमसी स्टैन के फैंस द्वारा ट्रॉल और उनका मजाक उड़ाए जाने के बाद अब्दुल रोजिक की टीम ने एक बयान जारी कर एमसी स्टैन के मैनेजमेंट पर तजाकिस्तान के सिंगर के साथ मिसबिहेव करने का आरोप लगाया है। तो अब्दुल रोजिक की टीम ने एमसी स्टैन के साथ उनकी लड़ाई पर बयान जारी किया, रैपर के मैनेजमेंट पर गाली देने और उनकी कार तोड़ने का आरोप लगाया। बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट्स और मंडली के सदस्य अब्दुल रोजिक और एमसी स्टैन की लड़ाई जल्द खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हर गुजरते दिन के साथ उनकी लड़ाई गहरी होती जा रही है। जब से अब्दुल ने एमसी स्टैन के साथ अपनी लड़ाई के बारे में घटनाओं और सोशल मीडिया पर साझा किया है, तब से हर कोई इस विवाद के पीछे की असली वजह जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक है। जबकि अब्दुल ने पिछले दिनों खुलासा किया था कि एमसी स्टैन के बदले व्यवहार से उन्हें ठेस पहुंची है। रैपर ने इस मामले पर चुप्पी साधी रखी। हालांकि एमसी स्टैन के फैंस अब्दुल से बहुत परेशान हो गए हैं और उन्होंने तजाकिस्तान के सिंगर के बारे में ट्रॉल करना, मजाक उड़ाना और भद्दे कमेंट्स करना शुरू कर दिया है। ये अब्दू और उनकी टीम को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अब्दू का मजाक उड़ाने वाले लोगों की निंदा करते हुए एक बयान जारी किया और उनके बीच लड़ाई के पूरे कारण का भी खुलासा किया। इसी के साथ अब्दू ने कहा कि हमारी दोस्ती खत्म हो गई है, जब भी मैं एमसी स्टैन को फोन करता हूँ तो वे सीधे उसे काट देता है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है अब्दुल रोजिक और एमसी स्टैन के बारे में, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।